जो तीन को लड़का अभी पकड़ाया है BHU में, जो एक लड़की का मतलब गैंग रेप करते धराया गया था, अभी पता चला है कि BJP के IT सेल वाले हैं, क्या लगता है उन पर यूपी सरकार बुलडोजर चलाएगी उनके घरों पर? नहीं, यूपी सरकार का है बुलडोजर चलाएगी, उतारती अहमद पे चलाता है बुलडोजर जी, उस पर काहे चलाएगा, वो तो उसी का चलाना है। अच्छा, उस पर काहे बुलडोजर चलाएगा? वो योगी जी तो कहते हैं कि हर हफ्ता कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, सब पर बुलडोजर चलेगा। अभी यही ना है, देख लीजिएगा बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, देखिएगा आप। अच्छा, अतीक अहमद से एक नाम याद आया, अतीक अहमद को दो को मारा था सब, उन लोगों के घर पे ही बुलडोजर नहीं चला? चल वो नहीं करेगा, मतलब गिना चुना बुलडोजर चल रहा है, गिना चुना बुलडोजर चल रहा है। 2024 में मुद्दा यही रहना चाहिए कि रोजगार पे बात करें, जैसे कि BJP जो है पढ़ाई पे टैक्स ले रहा, दूध पे टैक्स ले रहा, खाने पे ले रहा, गैस पे ले रहा, हर चीज, बाल कटवाने पे टैक्स ले रहा है जी। अच्छा, हर चीज पे टैक्स ले रहा है, टैक्स लोग पर, उसके बाद महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, साथ में कहाँ जाएगा आम जनता यहाँ भारत का? अभी तो राम मंदिर बन रहा है, देख रहे कितना लोग भीड़ लगा रहा है। अरे बुड़बा के सब बुड़बा है, जब पेटवा में अनाज नहीं रहेगा ना, तब देखेंगे केवो के ऊपर ही पेट भर जाता है खड़ा होने से। यही ना है मंदिर जी, खड़ा कर दीजिए, केवो के पेट भर जाता है, देख लेते हैं, पानी तक नहीं मिलेगा फ्री में। राम मंदिर का मुद्दा तो दिखा रहे हैं, पूरा देश जानता है कि मंदिर बन रहा है राम मंदिर, ठीक है, आप सच बात कहा छुपा रहे हैं? क्या 1400 घर तोड़ा जा रहा है यूपी में, लीगल है तो नहीं तोड़ा? लीगल है, योगी बाबा जब आए थे ना नया नया राजनीति में, तो बोले थे कि जो इलीगल भी जमीन लेके रह रहा है ना झोपड़ी, उसको पक्का कर देंगे, और जो पक्का बना के रह रहा है उसको तो ढा रहे हैं, अभी ढा रहे हैं। तो क्या आप राजनीति कर रहे हैं भैया? कैसे बोले अनलीगल है? कैसे बोले अनलीगल है? अनलीगल से रह रहा है 40 साल से, सरकार है तो मानना पड़ेगा, लीगल सरकार आपसे है। एक मिनट, सरकार आपसे है कि सरकार हमसे है? सरकार जनता से है, जनता सरकार है, वो जनता का सुनेगा कि अपना सुनाएगा? जनता का सुनेगा। आप बोल रहे हैं वो विवादित जगह है, वो गैर मजबूत जमीन, जो भी जमीन है वहाँ पर वाटर बोर्ड ने सप्लाई पानी का कैसे दे दिया, बिजली बोर्ड ने लाइन का सप्लाई कैसे दे दिया, नगर निगम वाले डेली वहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कैसे चले आते थे विवादित जगह पर, जो 70 साल से आप हर घर टैक्स देता था, आप इतिहास उठा के देखिएगा, संविधान को पढ़िएगा, या फिर कोर्ट न्यायालय का जो मामला होता है सुनिएगा, तो जो 70 साल जो एक जगह पर रह जाते हैं ना, वो उनकी बकौती हो जाती है, ठीक है, वो बकौती हो जाती है। तो आप जो आप कुछ अभी देखें, हम वीडियो देखें बहुत सारे आपके भी चैनल पर, हम देखे थे वीडियो, तो कहने का मतलब है वहाँ आने वाले कुछ महीनों में लड़कियों लोग का मैट्रिक का बोर्ड का, लड़का लड़की का बोर्ड का एग्जाम है अगले महीने में। अब बताइए, इस तरह का मानसिकता उससे भर दिया जा रहा है, घर पे आके दाग लगाया जा रहा है, क्रॉस का नोटिस आके चिपकाया जा रहा है, बुलडोजर चिपकेगा, और जबकि आगे में कुछ मकान तोड़ भी दिया गया, और जिसमें एक मस्जिद आ रहा है, 11 मंदिर आ रहा है। तो आप एक तरफ एक राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, 22 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं, और 11 मंदिर को हटाने का काम कर रहे हैं, ये कौन सी सरकार है भाई, ये कौन सा सत्ता खेल रहे हैं, ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? उस पर ढेर लोग आस्था टिका हुआ है, उस पर ढेर लोग आस्था टिका हुआ है, बड़ा मंदिर है, ठीक है, राम छोटे हो या बड़े हो, घर में भी हम राम को रखते हैं, ठीक है, हनुमान जी को रखते हैं, तो घर में मंदिर नहीं है क्या? सबका है। तो जो मंदिर जो बन गया है, जो मंदिर से आस्था लोगों को जुड़ गया है, हर मंदिर जब बनता है ना तो आस्था जुड़ जाता है, वहाँ के जो 1400 घर जो हैं उनका आस्था उससे जुड़ गया है, आस्था के साथ काहे खेल रहे हैं भाई, इस पर रोटी काहे सेक रहे हैं आप? आस्था को हटा के भी रोटी सेकिए आप, कभी ग्राउंड ओपनिंग करने के लिए आइए, जनता के बीच में आइए, तो आप तो रहते हैं हवा हवाई में बात करते हैं, जमीनी स्तर पर आके बात कीजिए, जनता का दर्द सुनिए, जनता को क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, किस स्थिति में जी रहा है, ठीक है, जनता बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, उसमें मोदी जी पूछेंगे? हिंदू लोग कह रहा है कि हम योगी जी को लाए थे कि हिंदुत्व को बढ़ाएंगे, लेकिन हम ही लोग उजाड़ रहे हैं। हिंदुत्व तो बढ़ा के क्या करेंगे, इस देश में 120 करोड़ हिंदू की आबादी है, अब हिंदुत्व तो बढ़ा के क्या करेंगे आप? एक मिनट का बात है, जिस जगह पर हमारे देश में हम गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें 1000 तरह की जाति और प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, उस जगह पर रहते हैं, तो आप जाति पर धर्म पर आस्था के साथ रोटी सेकना बंद कर दीजिए, आप मुद्दे पे आइए, अब मुद्दे पे तो कभी आएंगे नहीं, कितने पत्रकार गए भैया आप गए उनके पास, योगी जी के पास गए हैं? काम अच्छा कर रहे थे, कहां ले जाएगा लोग, है काम अच्छा कर रहे, देश को विश्व गुरु बना रहा है, आपका चाहिए आपको? विश्व गुरु बना रहा है तो? कैसे विश्व गुरु बना रहा है भाई? नहीं, कैसे बना रहा है, यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक भूखे मर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, विदेश में डंका बज रहा है, आप अनभक्तों पत्रकार के कानों में डंका बज रहा है, ठीक है, आप जैसे पत्रकारों पर डंका बज रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, समझे, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं इसको, हम टीवी चैनल कहाँ देखे भाई, क्यों देखे टीवी चैनल, इसलिए देखें कि हमारा 8 साल 7 साल का बच्चा टीवी खोलने का, न्यूज देखने का उसको मन करता है कि पापा न्यूज लगाइए, देखेंगे दुनिया का क्या खबर, एक मौलवी को बैठा देते, एक पंडित को बैठा देते, दोनों में डिबेट करवाते हैं, ये मानसिकता बच्चे को क्या किस ओर लेके जाएगा,
ये मानसिकता किस ओर लेके जाएगा बच्चे को? इसलिए टीवी खोले हम, इसलिए न्यूज देखे हम। ये आप आपके देश की बड़ाई होती है, आपकी बड़ाई होती है विदेश में। आपकी जो यूट्यूबर जो चैनल है आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप भी जो सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो डालते हैं, आप दोनों पक्ष की बात रखते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, ये वो सब क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है कि कुछ चैनलों अडानी के द्वारा बिक गए, कुछ अंबानी के द्वारा बिक गए। और अडानी और अंबानी है कौन? वो मोदी जी के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, जब भी अपना चैनल खोलेंगे, जब भी अपना मुंह खोलेंगे, मोदी जी के फेवर में खोलेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं खोलेंगे। ठीक है, ये सब है। आप मुद्दा पर बात कीजिए भाई, आप रोजगार पर बात कीजिए, आप एजुकेशन पर बात कीजिए, आप स्वास्थ्य से बात कीजिए, आप कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं बात करेंगे। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सब मुद्दा हटा दे बीजेपी और चुनाव दिख के दिखाए, 3-4-5 एक मिनट ABM हटा दे, हिंदू मुस्लिम हटा दे, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हटा दे, कश्मीर का मुद्दा हटा दे और चुनाव जीत के दिखा दे। तो कश्मीर के इतना कश्मीर का मुद्दा सब आता है, आप कश्मीर के इतना बड़ा मुद्दा सोल्व कर दिया, अब क्या चाहिए आपको? हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी जनता भी खड़ी है, कश्मीर से कितने लोग को लाभ मिल गया, कितने लोग अपना जमीन खरीद लिए वहाँ पर, क्या खरीदे हैं? कश्मीर का मुद्दा 370 हटाने के बाद भी आज भी वीर जवान जो हमारे देश के शहीद जो हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, 15 दिन पहले भी 5 को शहीद हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी, इसका जवाब कौन देगा? जनता जानना चाहता है। आप गोदी मीडिया जितना भी इस चीज़ को छुपाते हैं, ठीक है, जितने भी नेशनल मीडिया आज तक हो, जीव न्यूज़ हो, जो भी है, इस चीज़ को छुपाते हैं, इस चीज़ को क्यों दिखाते हैं आप डिबेट करिएगा भैया। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बोल दिए ना। हाँ बहुत लोग वोट देने वाला है, हाँ। अरे भाई इधर आ जाइए आप भी थोड़ा, ये 30 लाख रुपया मिलेगा, अब 15 लाख मिला, अभी अब की बार 30 लाख मिलेगा, अब 2 करोड़ हर साल नौकरी मिला है, इस बार 4 करोड़ नौकरी मिलेगा। मोदी जी को लाइए, मोदी जी को लाइए, जो बचल कुचल है ना बनावे ला वो भी गिरवी रखावेगा, मोदी जी को लाइए। 400 का सिलेंडर मिल रहा है, हाँ सुविधा मिल रहा है, 400 का सिलेंडर 1100 हुआ ना, अब की 2000 होगा, मोदी जी को लाइए। मोदी जी का शेयर 98 पैसे दो पर आया ना शेयर, अब नंबर 1 पे आवेगा, मोदी जी को लाइए। लाइन में नहीं लगना पड़ा जी, सुनिए लाइन में क्या लगेंगे, हम पैसा दुगना तीन गुना पैसा देंगे, हम लाइन में लगेंगे, चट्टी बेच के बहन हम खरीदेंगे मोदी जी को, लेकिन लाएंगे लाएंगे मोदी जी को। पहले आया है न्यूज पेपर में सब में कि BJP से न्यूज दिया है, अभी हम दिखा सकते हैं जनता को कि बोले हैं कि कम से कम गरीब आदमी को कम से कम 1 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे, ये बोला कि ये BJP के न्यूज BJP से आया है, ठीक है, एक लाख एक को लाख कि 10,000 गरीब को दिया गया हो तो बताइए हमको, 10,000 रुपया भी कोई गरीब को दिया गया है तो बताइए, सुनिए 15 लाख 15 लाख ये भी आप सुनिए, 15 लाख रुपया पूंजी मिला, अब पकौड़ा तले का ज्ञान नौकरी हो गया, इस बार मिलेगा 30 लाख रुपया पूंजी, अब जो सीमेंट उमेंट फैक्ट्री या लोहा फैक्ट्री में काम करेगा ज्ञान हो गया नौकरी नौकरी, रोजगार भी तो जरूरी है, लोग अपना मन से तो मिल ही रहा है, 2 करोड़ नौकरी दिए बोले आ दे दिए, तो नौकरी थोड़े बोले थे मोदी जी, नहीं 2 करोड़ रुपया रोजगार दे दिए, पकौड़ा तले का पैसा मिला, हमको सही बात है कसम से बता रहे, ध्यान में नहीं था, लेकिन 15 लाख जब पूंजी आया ना पकौड़ा तले का ज्ञान मिला, तुरंत हम ठेला लगा दिया मरीन ड्राइव पे पकौड़ा का, तुरंत कमा रहे हैं तब मोदी जी। पढ़ाई लिखाई काहे ला करेंगे, जब पकौड़े बेचना था तो पढ़ाई लिखाई करेंगे काहे ला, मोदी जी पकौड़ा बेचिए उसे, अरे तो मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है इससे, हम लोग रोड पे आ जाए उनसे क्या फर्क पड़ता है, 5 रुपए से चल जाएगा आपका परिवार, काहे नहीं चलेगा, पकौड़ा 5 रुपए बेच के मोदी जी को जिताएंगे, क्या बात कर रहे हैं।